तो जितना स्टैंड है सब में तो 5 रुपए है, आपका 10 रुपए क्यों है? बोलने से नहीं होगा ना, अगर दूसरा स्टैंड वाला 5 रुपए ले रहा, मार्केट का हिसाब से चलिएगा तो आपको भी 5 रुपए लेना पड़ेगा ना। यहाँ बाबा रेट बहुत ज्यादा बा, मैं क्यों? Hey guys, welcome back with another food blog. This is Oasis Malik and you are watching Asansol City, your brother or YouTube channel. So guys, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा one of my favorite Indian item जो है मुर्ग मसल्लम, उसके बारे में। एंड वहां पर गाइस मैं आपको लेके जाऊंगा एक मेरा नहीं एक्चुअली आसनसोल का लगभग सभी का फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहां का गाइस मुझे ये इंडियन आइटम जो कि है मुर्ग मसल्लम वो काफी पसंद है। सो आज गाइस हम लोग चलेंगे मुर्ग मसल्लम खाने और मेरे साथ है गौरव एंड श्री पॉडो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस बारिश का मौसम है, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और हमें गाइस जाना है बस्तिन बाज़ार। और आज गाइस राइड कर रहा है एक्चुअली गौरव। कितना कितना देना? 10 रुपये लॉक खुला हुआ है ना। तो जितना स्टैंड है सब में तो 5 रुपये है, आपका 10 रुपये क्यों है? और यहाँ पर लिखा हुआ है ₹5 फॉर स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। किसको? साइकिल जो लगाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ₹5 फॉर स्कूटर एंड मोटरसाइकिल? एक लाइन में, लाइन में जहाँ 10 रुपए है ना। अच्छा, कार लिख दिया था उधर है, इधर है, सब जगह सबका 5 रुपया है। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ ना आपका कि ₹5 फॉर स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। लाइन में लिखल बाबा, प्रेस वाला थोड़ा गलती कर दे बाबा, क्या कर थोड़े लगा। पहले यहाँ पर देख लिखा हुआ है ₹5 फॉर स्कूटर एंड मोटरसाइकिल, ठीक है। और अलग अलग स्टैंड में 5 रुपया लेते हैं, ये 10 रुपया बोल रहा है भैया। यहाँ बाबा रेट बहुत ज़्यादा बा, मैं क्यों 2870 रुपये पर डे का रेट है। अच्छा, प्लस डे है हम लोग का। अरे वो सब बोलने से नहीं होगा ना, अगर दूसरा स्टैंड वाला 5 रुपये ले रहा, मार्केट का हिसाब से चलिएगा तो आपको भी 5 रुपये लेना पड़ेगा ना। वो ठीक है, मगर यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना कि 5 रुपये स्कूटर का और 10 रुपये। ठीक है भैया, आपको देखिए जो समझ में आएगा वही दे दीजिएगा, यही और क्या बोलेगा। इतना समझाएं आपको, नहीं समझे तो क्या बोले? नहीं समझने का बात नहीं है, हम आपसे समझे तो क्या बोले? नहीं समझने का बात नहीं है, हम आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्यों है। आप दे दीजिएगा 5 रुपये, दीजिए नहीं 5-10 रुपये का बात नहीं, आपको चाहे 20 रुपये भी दे सकते। समझना चाह रहे हैं, चलिए क्यों है, आप दे दीजिएगा 5 रुपये, जाइए और क्या। 5-10 रुपये का बात नहीं, आपको चाहे 20 रुपये भी दे सकते। देखिए सर, मेरा नुकसान बहुत हो रहा है, आप देख रहे हैं अभी लॉकडाउन में। नहीं नहीं, बात 5-10 रुपये का बात नहीं है, बात है कि आप 10 रुपये ही देंगे, क्यों नहीं देंगे? बट यहाँ पर सब देगा तब ना, क्वालिटी का टिकट है ना। ठीक है, तो आप देखिए सर, वो बात बोले आपसे हम झगड़ा नहीं कर, नहीं झगड़ा तो हम लोग भी नहीं कर, मांग के ले रहे हैं। नहीं नहीं, मांग के लेना एक चीज़ है कि आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो ना, तो 5 रुपये अगर मार्केट का प्राइस है तो आपको भी 5 रुपये ही लेना पड़ेगा। अगर सब 10 लेगा तो आपको 10 लेना पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटी की तरफ से टिकट बनाया 50 रुपये। आप अपना पर्सनल रीजन बता रहे हो कि मेरा खर्चा ज्यादा है तो हम 10 लेंगे, 15 का लोगे 15 बोलेंगे। मांग के ले लेते हैं सर। नहीं, बराबर में चलेगा ना वो चीज। कैमरा लगा हुआ है जो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो टिकट में लिखा हुआ है 5 रुपया स्कूटर का एंड बाइक का भी, मगर यहाँ पर 10 रुपये भी लिखा हुआ है गाइस, मगर वो समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ का 10 रुपये मांगा जा रहा है। बट यहाँ पर अंकल बाइक स्कूटी दोनों का ही 10 रुपये मांग रहे हैं, जो कि हम लोगों ने देने से मना कर दिया।
सो ये गाइस मैं ऑटो फोकस सेट कर लेता हूँ। ये रहता है वाइड एंगल लेंस रहता है, इसका फायदा रहता है। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं सुधमृत रेस्टोरेंट मुर्ग मसलन ट्राई करने के लिए। सो यहाँ पर गाइस मैंने एक यूनिक चीज़ देखा जो अभी तक मैंने किसी रेस्टोरेंट पे नहीं देखा कोविड सिचुएशन के कोविड प्रिकॉशन रिलेटेड, वो ये था गाइस यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंसर था सैनिटाइजर के लिए। मतलब कोई किसी को मैंने कई जगह आपको दिखा कि कोई मैनुअली कर रहा है, कोई स्प्रे लेके सैनिटाइज कर रहा है, किसी के पास मशीन है। तो यहाँ पर गाइस मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो थी गाइस सेंसर था, जैसे ही आप वो सेंसर क्रॉस करते हो सो ऑटोमेटिक डे टाइप ऑटोमेटिक सैनिटाइजर आपके पास स्प्रे होता है एंड उसके बाद एक बंदा रहता है वो आपके ऊपर टेम्परेचर चेक करता है। तो ये जो सेंसर वाला सैनिटाइजर था मैंने इससे पहले आसनसोल में किसी रेस्टोरेंट पे नहीं देखा अभी तक। कल गाइस हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, एक प्लेट मुर्ग मसलम, 3 तंदूरी रोटी, एक बटर नान, एक मसाला कुलचा। सो यहाँ पर गाइस मुर्ग मसलम का जो प्राइस है वो 390 रुपीज़, बटर नान का जो प्राइस है वो 60 रुपीज़, मसाला कुलचा का जो प्राइस है गाइस वो 70 रुपीज़ एंड तंदूरी रोटी का प्राइस है गाइस वो 20 रुपीज़। सो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने किसी भी तरह का स्टार्टर ऑर्डर नहीं किया क्योंकि एक प्लेट मुर्ग मसलम कम से कम 4 लोगों के लिए है एंड फिलहाल अभी हम लोग हैं 3 लोग, भूख बहुत ज़ोर से लगी है। तो आई होप हम लोग तीनों मिलके ये आइटम ख़त्म कर देंगे, इसीलिए गाइस हम लोगों ने कोई स्टार्टर वगैरह ऑर्डर नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है एंड शायद ही हम लोग आज ख़त्म कर पाए। सो अगर आप कभी आओ मुर्ग मसलम ट्राई करने के लिए तो 4 दोस्त के लिए एक प्लेट, साथ ही साथ आप रोटी वगैरह लोगे तो ये इनफ रहेगा, आप कुछ और ट्राई खा नहीं सकते। सो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ रेस्टोरेंट पे, इस रेस्टोरेंट के किचन पे। सो मुझे ये गाइस हेड मास्क मिला है तो इसे मैं लगा लेता हूँ, कुछ शॉट वगैरह लेना है क्योंकि मुझे देखना है कि उसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं क्योंकि एक पूरा का पूरा जो मुर्गी रहता है चिकन उसे बनाया जाता है फिर उसे काटा जाता है। तो मैंने वेटर को बोला है, काटने के लिए मना किया है, मैं पूरा फोटोज लूँगा गाइस और कुछ वीडियोज़ वगैरह आप लोगों को दिखाऊँगा। सो लेट्स गो। Cigarette smoke still clouds this fleeting high down drowning in sleep and pride and silent fight. I like when you traverse my mind. जब तक मुर्ग मसलम रेडी होता है तब तक मैं आपको मुर्ग मसलम के बारे में कुछ अननोन हिडन फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो वो है कि गाइस मुर्ग मसलम का एक्चुअल मीनिंग है एक गोटा का गोटा मुर्गी, फिर मुर्गा जो भी बोलो गाइस उसे पकाया जाता है एंड ये एक मुगलाई खाना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे काफ़ी मतलब पॉपुलर हुआ था रिसेंटली। इसका ओरिजिन जो है इंडिया से है बट ये मुगलाई खाना है, बांग्लादेश पाकिस्तान एंड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। सो गाइस ये जो मुर्ग मसलम है ये अवध के जो राजा महाराजा मतलब मुगलाई मुगल फैमिली थे उन लोगों में काफ़ी पॉपुलर था एंड फिलहाल अभी अवध जो है वो उत्तर प्रदेश का एक स्टेट है। मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, इबन बतूता ने डिस्क्राइब किया था काफ़ी सालों पहले उस टाइम पे कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो है फेवरेट खाना है एंड इवन उस टाइम पे दिल्ली का इन लोगों का सल्तनत जो थे वहाँ पर भी ये खाना सर्व किया जाता था। सो काफ़ी कुछ गाइस मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, इस चैनल पर अगर गाइस पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि खाना गाइस हम लोग का रेडी हो गया है अभी जस्ट आता ही होगा। तो यहाँ पर गाइस मेरे साथ है गौरव और श्री पौर्णो जो एक प्लेट मुर्ग मसलम हम लोग तीनों के लिए आई थिंक काफ़ी रहे। सो हम लोगों का खाना गाइस ऑलमोस्ट बन चुका है, बस वेटर लेके ही आ रहा है। सो ये रहा गाइस हम लोगों का मुर्ग मसलम, तो इसे मैं गाइस फिलहाल साइड में रखता हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे हो गाइस एक पूरा का पूरा जो है मुर्गे को बनाया गया है। सो गाइस ये हम लोगों का पूरा खाना टेबल पे, अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है, दिखने में कैसा है, प्राइस मैंने आपको पहले बता ही दिया, अभी मैं आपको खाने दिखाता हूँ। ये गाइस हम लोगों का एक मसाला कुलचा एंड नीचे गाइस नान है बटर नान और ये गाइस हम लोगों का तंदूरी रोटी एंड ये रहा गाइस हम लोगों का आज का मेन आइटम जो है मुर्ग मसलम। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एक पूरा का पूरा मुर्गी को बनाया गया है, एक टिकोटा अस्तो मुर्गी।
पर गाइस एक आपको पकड़ फिर से रिपीट, ये गाइस इसके मुर्गी के पेट में एक चिकन कीमा का कोफ्ता रहता है, ये रहा गाइस इसके अंदर, एंड काफ़ी मसाला से भरपूर है, ऊपर से अच्छी तरीके से गार्निशिंग काजू एंड अंडा है, एक बॉइल्ड एग है। सो अभी गाइस इसे हम लोग ट्राई करते हैं, फिर मैं गाइस आपको रिव्यू देता हूँ। मसाला बहुत ही स्पाइसी है, और अगर दो तीन फ्रेंड अगर आके मतलब नॉर्मली पार्टी करना चाहते हैं तो ये बेस्ट आइटम है, और जो क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से तीन चार लोग यहाँ पर आराम से आके ये जो मीट मसाले हैं ये आराम से खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है ये आइटम, और लाइक इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि एक चिकन कोफ्ता दिया हुआ है, चिकन का आइटम वो भी बहुत सही बना है, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी दिया है ये, जैसे कि थोड़ा हमने बताया कि तीन चार जन अगर दोस्त आ तो आप ये ख़त्म कर सकते हो, अकेले अगर खा नहीं सकते, और स्पाइसी भी है और बहुत सारा मसाला दिया है इसमें, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही अलग लग रहा है, दूसरे किसी भी चिकन से अलग लगेगा आपका इसका टेस्ट। तो यहाँ गाइज हम लोगों ने अपना खाना ख़त्म कर लिया, एंड गाइज जो मुर्ग मसालम था गाइज बिल्कुल ही ऑसम था, बट यहाँ पर हम लोगों ने आपका मतलब वीडियो बनाने के लिए मैंने उसको पूरा का पूरा एक फुल ही मंगाया, बट आप चाहो तो उसे आप पीसेस करवा सकते हो, अगर आप वेटर को बोलोगे तो उसे चार पीस छः पीस ऐसा वो कर देंगे। व्लॉग थोड़ा अच्छा बनाने के लिए उसे पूरे का पूरा ही मंगवाया, एंड हम लोग तीनों ने बहुत ही मुश्किल से गाइज वो ख़त्म किया, क्योंकि जैसे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्वांटिटी में वो बहुत ज़्यादा है, मिनिमम वो चार लोगों के लिए है ही, एंड खाना वाइज गाइस जो था मुर्ग मसालम, टेस्ट वाइज गाइस इट वाज रियली ऑसम, जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कई बार ट्राई किया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मुर्ग मसालम के ऊपर ब्लॉग बनाया जाए। सो टेस्ट वाइज जो था गाइस बहुत ज़्यादा तीखा नहीं था, बहुत सारे स्पाइसेस थे, इवन मुर्गी के पेट में एक आपको कोफ्ता, चिकन कीमा का कोफ्ता मिलता है जो अंदर में रहता है, एंड ऊपर से जो गरम पूरा जो मसाला रहता है उसे दिया जाता है, एंड काफ़ी अच्छी तरीके से गार्निशिंग किया जाता है, एंड एक बॉइल्ड एग ऊपर से गार्निशिंग की तरफ से दिया जाता है गार्निशिंग के लिए, एंड तीखा इसमें जनरली कम हुआ करता है, बट अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आपको पहले बोलना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा तीखा चाहिए। सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस गाइस बहुत अच्छा था, अभी देखते हैं कि कितना का बिल हुआ हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों ने बाद में फिर और भी नान वगैरह ऑर्डर किया, एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी गाइस हम लोगों ने ऑर्डर किया, तो बिल देखते हैं गाइस हम लोगों का कितना आया है। तो सो गाइस हम लोगों का यहाँ पर टोटल जो बिल हुआ है वो 500 समथिंग हुआ है, सो चार जन आप आओगे तो ऑलमोस्ट आपका 600 समथिंग कुछ बिल होगा, जो कि काफ़ी सही है, एक आइटम भी आपका हो जाएगा, एंड गलती से भी स्टार्टर मत लेना तो फिर आप खा नहीं पाओगे, पूरा ख़त्म नहीं कर पाओगे, अगर आप चार आदमी हो तो आपको पूरा आई थिंक 600 में कम्प्लीट हो जाना चाहिए। सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
Bye.